समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका पार्ट 3 में, जो कि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट का पार्ट है। ठीक है, सो अगर इसमें हम बात करें एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंस के बारे में, देखो मैंने आपको ऑलरेडी दो वीडियोस में, एक में एंटरप्रेन्योर कवर किया है, दूसरे में एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अभी कुछ और पार्ट्स आएंगे, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे या फिर इसी में मिल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। यहाँ मैंने एकदम से ईजी कर दिया है, जो आप एग्जामिनेशन में एज इट इज लिख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट्स पता होने के बाद आपके पास कंटेंट भर भर के आ जाएगा। अगेन कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर जितना आपने लिखा है इतना लिखने से नंबर मिल जाएगा, तो पूरा पूरा डायरेक्ट आंसर है नहीं। अगर आप इतना लिख के आते हो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप मुश्किल से 5 या 6 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उतने नहीं चाहिए आपको, ठीक है, उससे ज़्यादा चाहिए, याद रखना। तो 5-6 नंबर से ज़्यादा पाने के लिए आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है। एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, तो एंटरप्रेन्योर क्या, एक ऐसा इंसान है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। ही इज एन रिस्क टेकर, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रनिंग अ न्यू बिजनेस। तो ये प्रोसेस कहानी हो गई ना, एक सिंपल सा एग्जांपल ले तो मार्क जुकरबर्ग और स्टोरी ऑफ फेसबुक। तो स्टोरी ऑफ फेसबुक हमारी एंटरप्रेन्योरशिप हो गई और मार्क जुकरबर्ग हमारे एंटरप्रेन्योर हो गए। सेकंड है ऑर्गेनाइजर, अगेन जो उसके अंदर कैपेबिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाए, ठीक है, वो उनको सही से एक जगह पे ला सके। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जहाँ पे वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लेके आके रख रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेटर, उसके अंदर एक इनोवेटिव माइंड होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ हम कैसे, सोचने की जो एबिलिटी होती है ना, इनोवेटर मतलब सोच सके, थोड़ा यूनिक सोचना, कहते हैं ना कुछ अलग सोचो, कहते हैं ना मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, अलग करना है, वो तुम सोचो भाई, सोचो, लिखे हुए ऑप्शंस में से मत करो, ठीक है। और ये क्या होता है, इनोवेशन, जो अलग करना है, जो अलग हुआ वो हुआ इनोवेशन, ठीक है। मोटिवेटर, मोटिवेटर क्या है, ये मोटिवेट करने वाला है, ठीक है, ये मोटिवेटर है, ये लोगों को मोटिवेट करता है, खुद को मोटिवेट करता है, और ये क्या है, मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मोटिवेशन है भाई। तुम किसी को मोटिवेट कब करते हो, जब तुमने कुछ उखाड़ा हो, तुमने खुद कुछ उखाड़ा हो अपनी ज़िंदगी में, तभी तो मोटिवेट करोगे ना। ये बोलोगे भैया मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सदैव 4 बजे उठें, क्योंकि 4 बजे उठने के बाद ना बहुत मज़ा आता है। अगले दिन कोई जाके घर में देखा तो 8 बजे खुद उठ रहे हो, ठीक है। अब कोई प्रूफ है, तुम 4 बजे उठ के क्या क्या उखाड़ लिए, पतले से हो, दौड़ने भी नहीं जाते हो, हैं, ये भी नहीं कि तुम्हारे फेफड़े बहुत अच्छे हों, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं ना। तो मोटिवेटर आप कब बन सकते हो, जब आपके पास कुछ हो, आपके पास अच्छी बॉडी है। देखो भाई देखो मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह, ठीक है, मैं सुबह ये काम करके आता हूँ, या फिर अगर आपने एक एंटरप्राइज बनाया, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने एक एंटरप्राइज बनाया, तो ये मोटिवेशन है भाई, यही तो मोटिवेशन है। अगर ये मान लो एंटरप्राइज नहीं है, तो तुम घंटा के मोटिवेटर हुए, घंटा के एंटरप्रेन्योर हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, एक अगर एंटरप्राइज नहीं होगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो आई डोंट थिंक सो एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर जन्म लेगी, ठीक। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं यार, जिनको आप एक बंद दीवारी में नहीं कह सकते कि बिना उसके काम नहीं चलेगा, बट हाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है ना, कुछ तो होना चाहिए ना। आप खाक के वो, जैसे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑफेंड मत होना जो भी फैन होंगे उनके, महेंद्र डोगनी नाम के इंसान है, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके लिए मैं सॉरी, बट मैं जितना इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना अगर मैं गलत होता हूँ, तो उस बंदे के पास मुझे नहीं लगता कुछ है, बट वो दूसरों को मोटिवेट कर रहा है ना। देखो मोटिवेशन के लिए आपने खुद कुछ किया है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। आप जब खुद कुछ करते हो तो फिर आप, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आजकल के, उसका तो छोड़ दो, बहुत जो आजकल के इन्फ्लुएंसर हैं, दिस दैट मी, यू कैन सी माई छपरी हेयर्स एंड ऑल, तो भाई उन्होंने क्या किया है, वो तुमको मोटिवेट करने आ रहे हैं और तुम मोटिवेट हो रहे हो भाई, उनकी रील्स चली जाती है मिलियन में। देखो कई चीज़ें होती हैं, अगर तुम सुंदर हो ना तो इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं हाथ है, ठीक है, ये तुम्हारे माँ बाप और भगवान वाले का हाथ है, और उसी का तुम समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, देखो मैं दो लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अगर टाइगर श्रॉफ है इन्फ्लुएंसर है भाई, बॉडी अच्छी है ना, तो उस केस में आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी लंबा खींच गया है पॉइंट, चलिए। क्रिएटर और क्रिएशन, क्रिएटर क्या होता है, ये भाई चीज़ों को बनाता है, क्रिएट करता है, और क्रिएशन क्या होता है, जो उसने बनाया है।
अगर आप एक रील बनाते हो तो आप क्रिएटर हो गए, और जो रील बन के आई है वो आपकी क्रिएशन हो गई। फिर मार्क जुकरबर्ग और स्टोरी ऑफ फेसबुक, आप चाहो तो इन पर पूरी कहानी लिख सकते हो। फेसबुक के भी फीचर्स आपको पता ही होंगे, तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक की, यार एक्चुअली मुझे तो नॉलेज नहीं है कि कैसे एक्चुअली स्टोरी क्या है फेसबुक की, अगर होती तो मैं आपको बता देता, बट मैं डेफिनेटली आप जाके देखूंगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भी इस चीज़ को जानो कि भाई स्टोरी ऑफ फेसबुक कैसे शुरू हुई। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि किसी का आइडिया था, जिसको मार्क जुकरबर्ग ने पहले जैसे नॉर्मल चैटिंग के लिए बनाया, या फिर चलिए जो अभी मेरे माइंड में नहीं है वो चीज़ें देख के मैं बोलूँगा। तो आपको भी यही सजेशन है कि आप देखिए स्टोरी ऑफ फेसबुक, और मार्क जुकरबर्ग को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली यूनिट में। सो अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को अगर आप लाइक दोगे तो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।